व्हाट्सअप गाइस, आई एम रोहित खुराना एंड वेलकम टू कुकबुक बाय रोहित। साबूदाना खिचड़ी बना रहा हूँ आज। श्राद्ध नवरात्रि आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उपवास वाली कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करी जाए। अब साबूदाना खिचड़ी तो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है और आज उसकी एकदम परफेक्ट वाली, एकदम सिंपल और डिलीशियस वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि साबूदाना खिचड़ी कभी भी बनाओ तो एक दूसरे से चिपक जाती है और खिली खिली नहीं बनती, तो ये सारी चीजें कैसे अवॉइड करनी है बहुत सिंपल से टिप्स है और ये सारे टिप्स आज इस रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक कप साबूदाना को एक बाउल में डाल दीजिए और अच्छे से पानी से धो दीजिए। अब पानी से धोने से जो साबूदाना में एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाएगा। अगर स्टार्च रह जाता है तो साबूदाना चिपकता है अगर उसे हम पकाए तो। अब अच्छे से धोए हुए साबूदाना को एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए। बाउल में ऐड करने के बाद जितना साबूदाना लिया है उसका 3/4 पानी डालेंगे। मैंने एक कप साबूदाना लिया है इसलिए मैं 3/4 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। इसको ढककर कम से कम 4-5 घंटे के लिए सोक करना है। ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। ओवरनाइट सोक करने के बाद इसे आप यूज कर सकते हैं। तो साबूदाना सोक होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए एकदम अच्छे से फूल गया है और कितना सॉफ्ट हो गया है। अब एक पैन में 1/4 कप मूंगफली लेंगे और उसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इनको 5-6 मिनट के लिए रोस्ट करना है। इनकी जो स्किन है वो निकलना शुरू हो जाएगी और एकदम क्रंची हो जाएंगे। उसके बाद एक प्लेट में इन पीनट्स को ट्रांसफर कर दीजिए, हल्के से ही ठंडे हो जाए। उसके बाद इनके छिलके निकाल लीजिए और इनको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, कुछ पीनट्स का पाउडर बन जाना चाहिए और कुछ ऐसे ही थोड़े थोड़े खड़े रह जाने चाहिए। इनका टेक्सचर खिचड़ी में बहुत अच्छा लगता है। अब एक बोल में सोक किए हुए साबूदाना ऐड कर दीजिए, साथ ही में क्रश किए हुए पीनट्स ऐड कर दीजिए। अब इसमें सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे होगा ये कि जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया था मूंगफली सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से साबूदाना बहुत खिला खिला बनेगा और बहुत ही नटी टेस्ट देगा। अब एक पैन ले लीजिए और उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। ये एक बार अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच अदरक, 2-3 हरी मिर्च, 10-12 करी पत्ता और 2 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू को डाइस करके ऐड किया है। अब 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ये तड़के और आलू को तब तक पकाना है जब तक आलू पर हल्का सा रंग ना चढ़ जाए। जैसे ही आलू थोड़ा गोल्डन हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे साबूदाना और मूंगफली जो हमने मिक्स करके रखा था। अब हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए साबूदाना को अच्छे से हल्के हाथों से पका लेना है। दो से तीन मिनट हो जाए उसके बाद ढक्कन लगाइए और गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो और लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे, या जब तक कि जो साबूदाना है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता तब तक उसे ढककर पकाइए। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए। आप देख सकते हैं साबूदाना जो है अच्छे से पक चुका है। इसकी जो निशानी है ये ऐसे ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, पकने से पहले ही वाइट कलर का दिखता है। अभी देखो ट्रांसलूसेंट हो गया है, यानी कि साबूदाना अच्छे से पक चुका है। अब गैस ऑफ करेंगे और ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया, 1 टीस्पून फ्रेश काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस। अब अच्छे से स्टर करिए। और आप देख सकते हैं हमारी साबूदाना खिचड़ी रेडी हो गई है। तो चलिए फिर सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी खिले खिली साबूदाना की खिचड़ी बनी है। बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है, एकदम मॉइस्ट, एकदम डिलीशियस बनी है। जो टिप्स आपको मैंने बताए हैं उनको फॉलो कीजिए और साबूदाना की खिचड़ी हमेशा आपकी बहुत ही अमेजिंग बनेगी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।